नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर, और जैसा कि आज निफ्टी में आई है काफ़ी तेज़ गिरावट और 197 पॉइंट करके यहाँ पे निफ्टी बंद हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि ऑप्शन चेन में क्या डाटा चेंज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था 11,000 का वो यहाँ पे सक्सेसफुली कायम रहा, और वहीं से मार्केट यहाँ पे पलट गया, और यहाँ पे डाओ की वीकनेस से हमारे मार्केट में भी तेज़ गिरावट आज देखी गई। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन डाटा पे और समझने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट लेवल कौन से निफ्टी के लिए खुल रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे कि समझने की कोशिश करेंगे ऑप्शन डाटा को और देखेंगे कि यहाँ पे आप निफ्टी के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आज जो क्लोजिंग आई है वो आई है 10,754 पे। तो ये 10,800 के नीचे की क्लोजिंग काफ़ी नेगेटिव क्लोजिंग है देखा जाए, क्योंकि 10,800 पे अच्छे खासी यहाँ पे पुट राइटिंग हो रही थी, और अब उसके नीचे क्लोजिंग आई है तो काफ़ी मार्केट में वीकनेस बन सकती है, क्योंकि उन लोगों ने काफ़ी अपने लॉन्ग अनवाइंडिंग यहाँ पे देखे गए हैं। तो सबसे पहले जैसा कि 10,800 के नीचे यहाँ पे मार्केट बंद हुआ है, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले 10,800 को ही देखेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आप 10,800 की जो पुट है यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब करीब 13.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट घटा है, और ये दिखा रहा है कि यहाँ पे जो लॉन्ग बने थे वो अनवाइंडिंग यहाँ पे आना शुरू हो गई है और काफ़ी तेज़ी से आई भी है। तो यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट अब जो रह गया है वो रह गया है यहाँ पे 24,80,000 का। अगर मैं इससे ऊपर की बात करूँ तो 10,900 पे भी आप देख सकते हैं, 10,900 पे आपको सीधा सीधा यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट कल अच्छा खासा दिख रहा था, आज वो यहाँ पे सिर्फ 12,95,000 का ओपन इंटरेस्ट रह गया, और यहाँ पे भी करीब करीब लॉन्ग अनवाइंडिंग जो आई है वो आई है 18,60,000 के ओपन इंटरेस्ट की। तो कह सकते हैं कि यही दो ऐसे स्ट्राइक थी जिनका प्रेशर निफ्टी को नीचे ले गया, और मार्केट में कंटिन्यूसली सेल ऑफ रहा आज के दिन में। अगर यहीं पे मैं अगर कॉल राइटिंग की बात करूँ, तो यहाँ पे जैसा कि 11,000 की कॉल पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 17 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे आज के दिन पड़ गया, और प्लस यहाँ पे 10,900 की पे आपको दिख रहा है कि 17,26,000 का ओपन इंटरेस्ट पड़ गया, यानी टोटल ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे 10,900 की पे 39 लाख का हो गया। यानी अगर आपको कोई भी मार्केट में बाउंस बैक आता है और 10,900 के आसपास मार्केट खुलता हुआ दिखाई देता है, तो आप आराम से शॉर्ट करके काम कर सकते हैं इजिली निफ्टी के 10,800 10,750 के टारगेट के लिए। अगर यहाँ पे और सबसे बड़ी नेगेटिव चीज़ वो ये है कि यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं 10,800 की कॉल पे 16,23,000 का ओपन इंटरेस्ट आज ही के दिन पे ऐड हुआ है, और टोटल ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे कितना हो गया है 27,39,000। तो ये एक और सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर है हमारे मार्केट के लिए कि ग्लोबली जो सेल ऑफ चल रहा है डाउ जोन्स में, जो इतनी तेज़ गिरावट देखी गई और ब्रेक डाउन देखा गया, तो यहाँ पे जो बियर्स हैं वो ज़्यादा हैवीली यहाँ पे शॉर्ट बना के बैठ गए हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि इन लेवल के ऊपर मार्केट अब नहीं जा पाएगा। जब तक डाउ वगैरह सपोर्ट नहीं लेंगे तो ये मार्केट ऊपर नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे जो बियर्स हैं वो हैवीली हैं, यानी जो शॉर्ट करने वाले लोग हैं जो मंदड़िए हैं वो काफ़ी हैवी हो चुके हैं यहाँ पे, और 10,800 तक पे अच्छी खासी यहाँ पे कॉल राइटिंग कर दी है। बट इसके कंपैरिजन में यहाँ पे जो लॉन्ग बने हुए थे तो वहाँ पे जो पुट सेल हुई थी वो अनवाइंडिंग हुई है मार्केट में। अब यहाँ पे जो सीधा सीधा आपको टारगेट मिल रहा है वो 10,500 के आसपास का मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 10,500 पे भी यहाँ पे आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग होती हुई दिखाई दे रही है 8,15,000 की, और यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट रह गया वो रह गया सिर्फ 32,43,000 का। वहीं अगर इसके कंपैरिजन में किया जाए तो 9 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है कॉल पे है। तो आप ये मान लीजिए कि यहाँ पे अगर 10,700 टूटा तो आपके लिए ये है कि 10,700 फिर आपको सीधा 10,500 तक के टारगेट आपको निफ्टी में आते हुए दिखाई देंगे, जब तक 10,700 के ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा है। देखिए दोस्तों, टिकने की कोशिश कर रहा है तब तक हो सकता है कि यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, बट अगर थोड़ा सी भी और वीकनेस बढ़ती है तो मार्केट ये नीचे 10,500 तक जाने के लिए बिल्कुल तैयार है और रेडी है। तो आपको यहाँ पे जो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू बन रहा है यहाँ पे क्लियरली बन रहा है कि 10,800 के ऊपर आप 10,850 के ऊपर आप आराम से बिकवाली की यहाँ पे काम कर सकते हैं और शॉर्ट साइड पे काम कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये डाटा समझ में आ गया होगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।